हेलो दोस्तों, आरजी ने इनकी एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेके आए हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो। आज फौजी गेम लॉन्च हुआ है तो उसकी वीडियो सबसे पहले मैंने फौजी गेम को फिनिश किया है। इसमें मैंने बॉस को भी मारा है लास्ट में और अपने फौजी भाई को भी बचाया है। तो देखो कैसे मारते हैं उस चाइनीज बंदे को, चाइनीज दुश्मन को, और ये सभी छोटे मोटे चाइनीज दुश्मन है, इसको इनको भी मारेंगे। इस वाले गेम में मैं इन बंदों को मारता हूँ ना, चाइनीज़ बंदों को, तब ऐसा फील होता है कि सच में चाइनीज़ बंदों को मार रहा हूँ। देखो पानी में घुस घुस के कैसे मार रहा हूँ। और इसमें एक आग वाली जगह है जहाँ पे ये बैठकर अपने आप को हील करता है, जैसे पबजी में बैंडेज या हेल्थ किट लगाते हैं ना, वैसे ही ये इस आग के पास बैठ कर हील करता है। और इस आग के प्रोटेक्शन के लिए ये चाइनीज़ बंदे भी होते हैं, ये काफ़ी सारे एक साथ आते हैं। और इस वाले गेम में क्या होता है कि ये सारे के सारे बंदे सामने से वार बहुत कम करते हैं, पीछे से मारते हैं पूरा। देखना एक टाइम तो ऐसा था कि मैं मरने ही वाला था, मतलब 1 HP पे दो बंदे एक साथ, पता नहीं मैंने तो सोचा कि मर गए होंगे सारे के सारे, बट एक दो बंदे आ जाते हैं लास्ट में। फिर मैंने सोचा गेम गई, बट उन दोनों बंदों को भी मार देता हूँ। उसके बाद उस आग के पास बैठ के मैं हील करने लगता हूँ खुद को। तो अभी देखो इन सारे बंदों को मारते हैं फिर आगे चलते हैं, अभी मैं हेल्प भी कर लूँगा। और इनके जो इनके पास जो हथियार है ना, ये तलवार जो भी है, कुल्हाड़ी जैसे जो भी लेके आए हैं ये लोग, इनके हथियार की लेके हम इनको ही मारेंगे। ये पीछे से वार करते हैं चाइनीज़ बंदे, इनको मारने में अलग ही मज़ा आता है, तुम देखते रहो कैसे मारते हैं। और इनका एक सबसे बड़ा बॉस जो इनका जो जो हमारे एक फौजी भाई को कैद करके बैठा है, उनको बचाएंगे, उस बॉस को ही मारेंगे, अच्छे अच्छे से मारेंगे उसको। तो पहले इन छोटे मोटे बंदों को मार लेते हैं, या इन चाइनीज़ प्लेयर को मार लेते हैं पहले। इनको मारने के बाद मैं हील करूँगा खुद को और फिर आगे जाऊँगा, देखते हैं। वैसे आगे से आगे जाने में इनमें बहुत सारी इनकी संख्या में ये बढ़ते रहते हैं, और इनका हेल्थ भी काफ़ी ज़्यादा मारने पर भी डाउन नहीं होता, वैसे काफ़ी ज़्यादा मारना पड़ता है इनको, तब जाके ये मरते हैं। अब देखो तुम आगे कैसे क्या होता है, पहले देखो तुम स्टोरी मोड है वैसे, ये देखो तुम कैसे क्या करते हैं, फिर उसके बाद वो हमेशा तो उन बॉर्डर्स के पीछे छिपकर नहीं रह सकते। उसके बाद इन सबको मारने में और बीच बीच में जो कमेंट्रीज आती है ना, उनसे भी बहुत मज़ा आता है भाई, वो बताता रहता है। और एक तो दूसरी बात कि हिंदी में हमें बताता है तो हमें और भी अच्छा लगता है कि इंडियन गेम है और हिंदी में हमें वो वॉइस ओवर करके या जो भी कमेंट्री करके हमें बता रहा है कि क्या आगे क्या करना है। और जब हम इन सभी को मारने लगते हैं या मारते हैं, तब वो बीच बीच में भी बताता है हमें कि क्या करना है। अरे यार ये बीच में आ गया नोटिफिकेशन, इसके लिए माफ़ करना। तब हम इनको मारते हैं, तो इनकी ही ये जो भी लेके आते हैं तलवार या कुल्हाड़ी जो भी लेके आते हैं, इनका ही हथियार इनसे उठा के हम इनको मारते हैं। ये तो पीछे से ही मारेंगे, अभी देखो मैं कैसे मार रहा हूँ इन सभी को। ये हम अपना सरदार जी सभी को मार रहा है, और बीच बीच में वो बोलता है कि मैं आ रहा हूँ भाई, तुम रहना, मैं तुम्हें बचा लूँगा, अकेला मैं भारी हूँ इन सब पे, चाइनीज़ हमारा फौजी अकेला भारी है भाई। और ये गेम वैसे कह सकता हूँ कि मैं पबजी का जैसा तो नहीं है, बट हाँ पबजी को टक्कर दे देगा आगे आने वाले TDM, मतलब 5v5 बता रखा है उसमें, 5v5 जैसे कि ये अपना COD में होता है ना, 5v5 वैसा ही कुछ होगा। तो हम देखते हैं आगे क्या होता है, बट अभी ये स्टोरी मोड खेलने में इतना मज़ा आ रहा है, फील हो रही है भाई कि हम अपना देश का गेम खेल रहे हैं और फौजी भाई इन सभी को मार रहा है। अभी हम सबको मार रहे हैं, अभी तुम देखो इनको कैसे मार रहे हैं। और एक टाइम तो ऐसा आएगा, अभी आने वाला शायद वो टाइम तो, कि मेरी 1 HP बचेगी और ये बंदे एक साथ आएंगे, क्या ही मतलब मज़ा आएगा उस टाइम तो। मतलब जब मैं उनको मार देता हूँ ना, मतलब 1 HP पे, तो मुझे खुद को फील होता है अरे भाई मैंने मार दिया। अभी तुम देखो, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देखते देखते आ गए हो और आप इस वीडियो को देख रहे हो और यहाँ से आपने देखा है, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये दोनों आपके हाथ में है, क्योंकि मैं तो वीडियो डाल सकता हूँ, सब्सक्राइब और लाइक करना तो आपके हाथ में है। तो देखो मैंने पार भी किया है फौजी गेम को, सबसे पहले पार किया है, तो आप वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी देखते रहो कैसे मारते हैं, पहले हील कर लेता हूँ खुद को, हील करने के बाद उन चाइनीज़ बंदों को मारूंगे, यानी चाइनीज़ दुश्मन को मारेंगे।
अपने भाइयों को बचाना मेरा फर्ज है और उन्हें पकड़ने वालों को मारना मजा। उन्होंने मेरे आदमियों को जहां भी कैद करके रखा है मैं पता लगा लूंगा। जब ये बार बार बोलता है कि इनको मारने में कितना मजा है और अपने भाइयों को बचाना मेरा फर्ज है तो भाई क्या ही फील आता है, और इनको साथ साथ मारते हैं तो भाई मज़े ही आता है। वैसे खेलने में तो मज़ा आ रहा है, तो आप बताइएगा कि पबजी गेम आपको कैसा लगा। वैसे तो आप एक दो बार खेलेंगे तो आपको ऐसा बोरिंग सा लगेगा, क्योंकि आप दिन रात पबजी खेलते हैं तो माइंड में आपके पबजी चलता रहता है। वैसे खेलो यार, अपना देश का गेम है। अगर जो भी बंदा खेल रहा है और जो खेलने वाला है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड करो भाई और खेलो, अपने अपने देश के गेम को करो यार प्रमोट कुछ तो, मतलब अपने देश की इज्जत भी है। खेलो अपने, हम पबजी को खेल लें, मतलब चाइनीज़ या कोरियन जो भी गेम है, दूसरे देश यानी आउट ऑफ कंट्री खेल लें गेम को, तो अपने भी देश को खेल सकते हैं क्या, इसमें क्या। खेलो भाई, कितना अच्छा गेम है। वैसे तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। वैसे आप भी खेलो और मारो सभी को, बॉस को भी मारो और अपने भाई को बचाओ। ऐसे अपडेट के बाद, नए अपडेट के बाद या जो भी है थोड़े दिन के बाद, वो भी आ जाएगा TDM और हम पबजी को टक्कर देने वाला गेम हमारा भी बन जाएगा एक। और इसमें लगभग बताया तो था एनकोर वालों ने कि स्पोर्ट इसमें भी आएगा, तो लगता है कि आ जाएगा वैसे, क्योंकि अच्छा गेम है। और इसके जो मतलब फीचर है ना, वैसे वो जो COD में दौड़ता है बंदा जो रन करता है उससे तो अच्छा ही है, क्योंकि ये देखो कैसे मतलब मार रहा है बंदों को। और ये इसके जो ये फीचर भी अच्छे हैं, उसमें जंप और क्राउच का बटन आ जाएगा वैसे, क्योंकि वो TDM में तो मारना पड़ेगा ना बंदों को, तो उसमें चाहिएगा क्राउच और सब कुछ आएगा, सब कुछ आएगा धीरे धीरे, थोड़ा हमें वेट करना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। अभी तुम देखो मैंने मारा ना 1 HP, अभी दो बंदे कैसे आएंगे, क्योंकि मुझे हेल्थ के लिए कोई भी यहाँ पे लोकेशन जो आ रहा था ना वो पहले जो आग के पास या फायर जो भी है इसके पास आ रहा था वो अभी नहीं आया, तो दो बंदे आ गए। अब देखो मेरी 1 HP, ये बंदा भी है अभी आएगा, वो मैं हेल्प करूँगा खुद को। और ये देखो ऊपर कुछ स्टार बने हुए ना, टाइम चल रहा है ऊपर, स्टार के पास कुछ है यानी मैंने 3 स्टार तो पार कर लिए हैं। अब लास्ट पे जो फ्लैग बना हुआ है उस तक मुझे जाना है, मतलब उस पर अगर मैं चला गया ना तो मेरा गेम पार हो जाएगा। मतलब कुछ टाइम के बाद मैं अब खुद को हील कर रहा हूँ और फिर अपने भाई को भी बचाऊँगा और बॉस को भी मारूँगा। तो देखो, और वीडियो को तो लाइक तो कर दिया होगा आपने, उम्मीद करता हूँ कर दिया होगा आपने। मैं अपने आदमियों को ढूंढ कर ही दम लूंगा, चाहे कैंप में उनकी पूरी आर्मी ही क्यों ना हो। मैं करीब पहुंच रहा हूं, वो डर कर भाग रहे हैं। Stop!
एलएसए के इस पार आना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब बस यही अंत है। इन चाइनीज बंदों की एलएसी के पार आने वाली सबसे बड़ी गलती है। ये सही बात है भाई, ये इस पार क्यों आए, इनको मारो अब। ये सरदार जी इन सबको मारेंगे और अपने कोजी भाई को बचाएंगे। अब ये अंतिम फाइट आने वाली है, वेट कीजिए थोड़ा। मार रहे हैं बंदों को, अच्छे से धुलाई हो रही है। तब तक का इन बंदों को मतलब यही बार बार आए जा रहे हैं, तो इनको मारना तो पड़ेगा। अभी देखते रहो तुम, इनको मारते हैं और फिर अपने फौजी भाई को भी बचाएंगे। लास्ट में अपना मतलब वो फ्लैग भी आएगा, तो देखते रहिए। मेरे देश और भाइयों के लिए मैं जान की बाजी लगा सकता हूं, मुझे तो लगा कोई नहीं आएगा। निडर और एकजुट, भूलना मत अहमद। बस एक काम करना बाकी है, इसे इसकी सही जगह पहुंचाना है। रवि, करण, सुनील और जावेद के लिए, वो इसे घर वापस पहुंचाने के लिए शहीद हुए। सर, आज आपने मेरी जान बचाई है। समझ नहीं आता मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं। मुझे शुक्रिया मत कहो अहमद, फौजी यही तो करते हैं। जहां भी भारतीय ध्वज लहराता है वहां हम अपनों की हिफाजत करते हैं। मुझे गर्व है मैंने आपके साथ इस देश की सेवा की है सर। अभी काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। सही बोल रहा है भाई, अभी एक बहुत काम बाकी है। तो आप वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट में जय हिंद लिखना मत भूलना, और वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट में बताना।
और जाते जाते चैनल को भी हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।